हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, स्टूडियो में हम देखेंगे फ्लोर अरेंजमेंट का एक प्रॉब्लम जो कि 2012 के एग्ज़ाम में पूछा गया था IBPS की। तो वो प्रॉब्लम हम देखेंगे क्योंकि वो प्रॉब्लम PU में पूछा गया था और काफ़ी पुराना प्रॉब्लम है, तो वो अब क्लर्क लेवल के एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं इस तरह के प्रॉब्लम्स। तो मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या है प्रॉब्लम, और ये पार्ट टू होगा पज़ल के को जो वीडियोस हैं उनको लेकर के। इससे पहले एक वीडियो मैंने आपको और दिया था जो SBI 2016 क्लर्क के एग्ज़ाम में पूछा गया था क्वेश्चन, उसको लेकर के। तो आपने अगर नहीं देखे हो सारे वीडियोस, तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सारे लिंक्स वहीं पे मिल जाएंगे, हर एक वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है प्रॉब्लम। ये इतनी लंबी सी प्रॉब्लम आपको दिख रही है, इसका फर्स्ट पार्ट हम पढ़ते हैं। इसमें क्या क्या बातें बताई गई हैं, इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है। सेकेंड जो पैराग्राफ है वो कंडीशंस का है, फिर कंडीशंस जैसी होंगी उसको हम देखेंगे। तो लिखा हुआ है 9 पीपल ABCDEFGHAND J स्टे इन अ बिल्डिंग नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। द बिल्डिंग हैज़ 9 फ्लोर्स एंड ओनली 1 पर्सन स्टे ऑन 1 फ्लोर। कि ये 9 लोग हैं किसी बिल्डिंग में रहते हैं, उसमें 9 फ्लोर हैं और हर एक फ्लोर पे केवल एक ही व्यक्ति रह रहा है। ऑल ऑफ देम ओन 1 कार ईच, कि सब के पास एक कार है। एंड ईच कार इज ऑफ डिफरेंट कलर, और सारी कारों का रंग क्या है, अलग अलग है। और ये फिर कलर के नेम लिखे गए हैं, ब्लू, ग्रे, वाइट, ब्लैक, येलो, ग्रीन, रेड, ऑरेंज एंड पिंक, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। कि ये सेम ऑर्डर में तो नहीं होगा। लिखा हुआ है द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड 1 एंड द फ्लोर अबव इट नंबर 2 एंड सो ऑन। द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड 9। कि सबसे नीचे वाला 1 होगा, उससे ऊपर वाला 2, ऐसे करते करते जो सबसे टॉप मोस्ट वाला फ्लोर होगा वो नंबर 9 होगा। तो ये हमारे पास है इन्फॉर्मेशन कि 9 लोग हैं, एक बिल्डिंग है, उसमें 9 फ्लोर्स हैं और हर एक फ्लोर पे एक व्यक्ति रह रहा है। सब के पास एक एक कार है, उन कारों का अलग अलग रंग है। अब हमको 3 चीज़ें यहाँ पे अरेंज करनी है। पहला तो पर्सन कौन से फ्लोर पे रह रहे हैं, तीसरा है कौन से कलर की उनके पास कार है। अब इसके बाद आती हैं कंडीशन, कंडीशन पढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हमको पता है कि यहाँ पर फ्लोर्स हमको पता है कि फिक्स हैं, कि सबसे नीचे वाला 1 है, फिर 2 है, फिर सबसे ऊपर वाला जाके 9 है। इस तरीके से फ्लोर्स की जो नंबरिंग वो फिक्स है। तो एक पैरामीटर हम फिक्स कर लेते हैं, तो 2 ही हमको यहाँ पे अरेंज करने की टेंशन रहेगी। तो वो हम फिक्स कर लेते हैं, एक टेबल से इसे बना लेते हैं। ये मैंने ऐसे बना लिया है टेबल, 1 फिर 2 फिर 3 और ऐसे करते करते ऊपर वाला फ्लोर नंबर 9 है। अब यहाँ पर बीच में पर्सन करना है, फिर कलर, मतलब कौन से कलर की उनके पास कार है वो हमको देखना है। कंडीशन पढ़ते हैं। कंडीशन लिखा है एच ओन्स अ ब्लैक कलर्ड कार एंड स्टेज ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर। की एच के पास कोई ब्लैक कलर की कार है और वो किसी इवन नंबर के फ्लोर पे रह रहा है। इवन नंबर का मतलब क्या हो जाएगा, या तो वो 2 पे होगा, या तो 4 पे, या तो 6 पे, या तो 8 पे, लेकिन कौन से नंबर पे होगा ये नहीं पता है। इन्हीं 3-4 फ्लोर्स में किसी ना किसी पे एच रह रहा होगा। तो यहाँ पर जब हमको पता नहीं है कहाँ पर एच को बैठाना है, तो हम इसको एज अ कंडीशन 1 ले लेते हैं कि एच के पास कौन से कलर की कार है। तो वो हमको पता है कि वो ब्लैक कलर की कार है, और ये पता है कि एच कौन से फ्लोर पे है, तो वो है इवन नंबर के किसी ना किसी फ्लोर पे एच रह रहा है। आगे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है ए स्टेज ऑन एनी इवन नंबर्ड फ्लोर बिलो द फ्लोर ऑन विच एच स्टेज। अच्छा, दूसरी जो कंडीशन है वो क्या कह रही है कि ए भी किसी इवन नंबर के फ्लोर पर ही रह रहा है, लेकिन वो एच के नीचे रह रहा होगा। मतलब जैसे मैं कह दूं कि H मान लीजिए आ जाए 4 पे, फ्लोर नंबर 4 पे, ठीक है, तो A कभी भी 6 और 8 पे नहीं आएगा। फिर A के लिए एक ही कंडीशन है कि फ्लोर नंबर 2 पे ही आ सकता है, वो H के नीचे रह रहा है। तो इस कंडीशन को भी हम ऐसे लिख लेते हैं कि H यहाँ पे बना लेते हैं, इसके नीचे A ऐसे बना लेते हैं। मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर हमने एरो लगा दिया है तो इससे हम समझेंगे कि H के इमीडिएट नीचे ऐसा नहीं होगा, ये कहीं ना कहीं H के नीचे होगा, और A कहाँ पे होगा, किसी ना किसी इवन नंबर के फ्लोर पे होगा। आगे पढ़ते हैं द वन हु ओन्स एन ऑरेंज कलर कार स्टेज ऑन द 4th फ्लोर। अच्छा, कह रहे हैं कि जिसके पास ऑरेंज कलर की कार है वो 4th फ्लोर पर रह रहा है। तो 4th फ्लोर पे रह रहा है, ये बात जो है क्या है, एकदम कह सकते हैं कंक्रीट है, या फिर कह सकते हैं फिक्स है कि 4th नंबर के फ्लोर वाला व्यक्ति कौन से कलर की कार पसंद कर रहा है, ऑरेंज कलर वाली। 4th फ्लोर पे आए, यहाँ पे कलर में जा करके हम यहाँ पे भर सकते हैं कि ये क्या है, ऑरेंज कलर की कार पसंद कर रहा है। ठीक है, आपकी मर्जी, पूरा ऑरेंज लिखिए या कम ही लिखिए ताकि समय आपका बच सके, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आगे पढ़ते हैं, लिखा हुआ ई स्टेज ऑन द 2nd फ्लोर। अच्छा, आप यहीं तक पढ़ते हैं कि ई कहाँ पे है, 2nd फ्लोर पे है, तो 2nd फ्लोर पे आ जाते हैं, यहाँ पे हम बैठा देते हैं ई को। एंड ओन्स अ वाइट कलर्ड कार। अच्छा, ये भी बता दिया कि ई के पास कार कौन सी है, वाइट कलर की।
अब देखिए यहाँ पे हमको कंडीशन नहीं लिखनी पड़ी, ये थोड़ा सा आसानी हो गई। आगे पढ़ते हैं, द वन हु ओन्स अ पिंक कलर्ड कार स्टेज ऑन द थर्ड फ्लोर। कह रहे हैं कि जिसके पास पिंक कलर की कार है वो तो थर्ड फ्लोर पे है, तो थर्ड फ्लोर पे आते हैं, यहाँ पे हम भर देते हैं कि ये इसके पास पिंक कलर की कार है। फिर आगे पढ़ते हैं, लिखा हुआ ए डज नॉट ओन अ ग्रीन कलर्ड कार। अच्छा, अब ए को लेकर के बात हो रही, ए अभी कहीं पे भरा नहीं गया है, कंडीशन में ही है, तो ए के लिए बात क्या आ रही कि ए के पास ग्रीन कलर की कार तो नहीं है, तो हमने यहाँ पे ऐसे बना दिया कि इसके पास ग्रीन कलर की कार नहीं है। लिखा हुआ है, देयर आर टू फ्लोर्स बिटवीन द फ्लोर ऑन विच द पीपल ओइंग द रेड एंड ब्लैक कलर्ड कार स्टे। मतलब जिसके पास रेड कलर की कार है और जिसके पास ब्लैक कलर की कार है, उनके बीच में दो फ्लोर्स का गैप है। तो अब इसको देखिए, कई बार अब आपके एग्ज़ाम में क्या है कि प्लास्टिक की शीट मिलेगी, आपको मिटाना पड़ेगा, जगह थोड़ी कम रहेगी, तो इसलिए आप इस तरह की जो कंडीशंस रहती हैं उसमें आप अपना थोड़ा सा स्पेस कैसे बचा सकते हैं। आपको पता है फ्लोर बनाना है, तो आप रेड और ब्लैक अगर ऐसे बनाते हैं कि यहाँ पे आपने बना दिया रेड और फिर ऐसे ब्लैक कर दिया, फिर दो फ्लोर नीचे करके आप ऐसे लिखते हैं नीचे, और पता चलता है आगे चल के कि आपका जो स्पेस है वही ख़त्म हो जाता है, कंडीशन आपकी सारी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप इसको इसके नीचे ऐसे ना लग करके, मतलब वर्टिकल ना जा करके, आप इसको हॉरिजॉन्टल ऐसे भी बना सकती हैं कि रेड और ब्लैक के बीच में कितना लिखा है, टू फ्लोर्स का गैप है, तो आप इसको ऐसे बना सकती हैं, इनके बीच में टू फ्लोर्स का गैप है, आर एंड बी। अब बी से आप थोड़ा कन्फ्यूज हो सकते हैं, ये ए बी सी डी वाला तो नहीं है, तो आप इसमें आगे बी एल भी जोड़ सकती हैं, जिससे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ना रहे कि ब्लैक कलर की बात हो रही है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, सी ओन्स अ ग्रे कलर्ड कार। कि सी के पास कौन सी कलर की कार है, ग्रे कलर की। चलिए कोई बात नहीं, हम पांचवी कंडीशन बनाते हैं कि सी के पास कौन सी कलर की कार है, ग्रे कलर की कार है। फिर आगे पढ़ते हैं, देयर आर थ्री फ्लोर्स बिटवीन द फ्लोर ऑन विच सी एंड जी स्टे। फिर अब वही काम यहाँ पे करते हैं कि सी और जी के बीच में तीन फ्लोर्स हैं। अब यहाँ पे अच्छा, ये जो स्लैश करके मैंने लिखा था, इसका मतलब यही था कि रेड और ब्लैक ऊपर नीचे कहीं भी हो सकते हैं, कुछ पता नहीं। वही बात यहाँ भी है कि सी और जी जैसे लाइन से लिखा गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सी ऊपर ही होगा और जी नीचे ही होगा, जरूरी नहीं है, हो सकता है जी ऊपर हो सी नीचे हो, तो हमको यहाँ पे स्लैश करके फिर से लिखना पड़ेगा सी स्लैश जी, और तीन फ्लोर का इनके बीच में गैप है, वो हमने यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, डी स्टेज ऑन अ फ्लोर इमीडिएटली अबव जे फ्लोर। कह रहे हैं कि डी कहाँ पे है, जे के फ्लोर के ठीक ऊपर, तो मतलब डी और जे हमको दो फ्लोर कहीं पे ऐसे लगातार खाली चाहिए, तो डी मैंने ऐसे बनाया और उसी के ठीक नीचे जे बना दिया, एरो नहीं बनाया। एरो का मतलब होता है उसके कहीं नीचे होता, इमीडिएट नहीं होता। ठीक है, लिखा हुआ है, देयर इज वन फ्लोर बिटवीन द फ्लोर ऑन विच एफ एंड जी स्टे। कि एफ और जी के बीच में एक फ्लोर का गैप है, तो एफ स्लैश जी कर दिया, एक फ्लोर का गैप, एफ स्लैश जी। ठीक है, लिखा हुआ है, एफ डज नॉट ओन द पिंक कलर्ड कार। की एफ के पास पिंक कलर की कार नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे बना देते हैं कि एफ के पास पिंक कलर की कार नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये हो जाएगा एफ थर्ड फ्लोर पे नहीं आ सकता। ठीक है, आप यहाँ पे बना सकते हैं कि एफ थर्ड फ्लोर पे नहीं आ सकता, क्योंकि पिंक कलर वाला जो व्यक्ति है, मतलब जिसके पास पिंक कलर की कार है, वो थर्ड फ्लोर पे आ रहा है। आगे पढ़ते हैं, द वन हु ओन्स ब्लू कार स्टेज ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। की जिसके पास ब्लू कार है वो कहाँ पे है, टॉप मोस्ट फ्लोर पे। तो हम टॉप मोस्ट फ्लोर आए, क्या आ जाएगा, नाइन्थ फ्लोर है, तो इसके पास कौन सी कार है, ब्लू कलर की कार है। ओके, लिखा हुआ है, एफ डज नॉट स्टे ऑन ग्राउंड फ्लोर। अच्छा, एक कंडीशन और है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जैसे हमने बनाया है इसमें कंडीशन और लगा देते हैं कि एफ फर्स्ट फ्लोर पे कभी नहीं है, मतलब जो ग्राउंड फ्लोर है उस पर कभी नहीं है, मतलब एफ यहाँ भी नहीं हो सकता। तो एफ के लिए कंडीशन क्या है, एफ ना तो पहले पे हो सकता है, दूसरे पे तो हो ही नहीं सकता, तीसरे पे भी नहीं हो सकता, तो कहीं ना कहीं तीसरे के ऊपर वाले फ्लोर पे ही आपका जाएगा। सारी कंडीशन खत्म हो गई, कुछ जगहें तो यहाँ पे फिल हो गई हैं और बहुत सारी जगह यहाँ पे खाली हैं। अब इनको कैसे फिल करना है उस पे हम विचार करते हैं। तो विचार करने का माध्यम यहाँ पे क्या होता है, विचार करने का माध्यम यहाँ पे ये है कि जिनके जिनके बीच में आपको गैप दिए गए हैं, सबसे पहले आप उनको उठाइए। जैसे सी और जी के बीच में तीन फ्लोर का गैप है, रेड और ब्लैक के बीच में दो फ्लोर का गैप है, तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम्स को उठाइए, जहाँ पे गैप ज़्यादा हैं तो वहाँ से आपको थोड़ा सा आसानी मिलेगी। तो यहाँ पे जैसे मैं कहूँ रेड और, क्योंकि कलर काफ़ी फिल है, तो रेड और ब्लैक के बीच में दो फ्लोर का गैप है, तो कहाँ पे हो सकते हैं रेड और ब्लैक, अभी ये भी नहीं पता है रेड ऊपर होगा या ब्लैक नीचे, फिर भी हम देखें अगर, तो यहाँ पे देखिए कलर है, यहाँ पे अगर मैं इस आठवें नंबर के फ्लोर पे रेड या ब्लैक में से कोई एक रखूँ, तो एक और दो फ्लोर का गैप छोड़ करके यहाँ पे रेड और ब्लैक हो सकता है। लेकिन सातवें फ्लोर पे अगर मैं रेड और ब्लैक को रखूँ, तो यहाँ पे नीचे रेड और ब्लैक नहीं हो सकता है।
अगर मैं पहले फ्लोर पे रेड और ब्लैक को रखूं तो दो फ्लोर का गैप छोड़ करके यहाँ पे ऑरेंज आ रहा है और यहाँ पे रेड और ब्लैक नहीं हो सकता, मतलब केवल एक ही कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि रेड या फिर ब्लैक में से कोई एक यहाँ पे आएगा और दो फ्लोर का गैप, फिर रेड और ब्लैक में से कोई ना कोई यहाँ पे आएगा। बात समझ रहे हैं? जी हाँ, कि यहाँ पे रेड और ब्लैक में से कोई ना कोई होगा, मतलब इनमें और कोई कलर फिल नहीं हो सकता, या तो यहाँ पे रेड हो गया तो ब्लैक, या तो यहाँ रेड हो गया तो ब्लैक। एक की भी अगर हमको कंडीशन पता चल गई कि जैसे ऊपर वाले में अगर रेड हो गया तो नीचे वाले में ब्लैक होने की पॉसिबिलिटी, मतलब पॉसिबिलिटी क्या, पूरे चांसेस हैं कि वो फिर ब्लैक ही होगा, पॉसिबिलिटी तो तब नहीं रह जाएगी, अभी पॉसिबिलिटी है। तो ये हमारा स्थान फिक्स हो गया। ओके, अब हम देखें, जैसे अभी हमने क्या देखा था ब्लैक को लेकर के, कि एच ब्लैक कलर को पसंद करा और किसी इवन नंबर के फ्लोर पे है। पहली कंडीशन ध्यान दीजिए, कैसे आपको सारी तारें एक दूसरे से जोड़नी है, वही आपको समझना है। कि ब्लैक और रेड के लिए यहाँ पे कंडीशन कुछ क्लियर हुई है, तो हम देखते हैं ब्लैक को लेकर के इन्फॉर्मेशन कुछ है, रेड को लेकर के इन्फॉर्मेशन कुछ है। तो ब्लैक को लेकर के इन्फॉर्मेशन ये है कि ब्लैक जो है, ब्लैक कलर की कार एच के पास है और एच किसी इवन नंबर के फ्लोर पे है। तो अब देखिए यहाँ पे रेड और ब्लैक अगर देखिए तो ये पाँचवें नंबर के फ्लोर पे है और यहाँ पे रेड और ब्लैक आठवें नंबर के फ्लोर पे है। तो अब बताइए पाँचवें नंबर के फ्लोर पे क्या एच आ सकता है? नहीं आ सकता है, क्योंकि ये तो ऑड नंबर का फ्लोर है, तो एच केवल आठवें नंबर पे ही आ सकता है। तो एच आ गया आठवें नंबर पे, और क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेड और ब्लैक कोई भी एक हो सकता था, तो यहाँ पे एच आ सकता है, नीचे तो आ नहीं सकता। तो इसका मतलब यहाँ पे ब्लैक होगा तो नीचे क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि एच कहाँ पे है, आठवें नंबर के फ्लोर पे, और इसको ब्लैक कलर की जो कार है वो पसंद है, तो रेड ऑटोमेटिकली ही फिर नीचे ही आ जाएगा। ठीक है, तो कंडीशन नंबर वन आपकी हो जाती है क्लियर। फिर क्या है, एच के नीचे ए कहीं ना कहीं आएगा इवन नंबर के फ्लोर पे, तो कहाँ पे आ सकता है ए? अब इवन नंबर फ्लोर इसके नीचे सिक्स भी हो सकता है, फोर भी हो सकता है, टू तो हो नहीं सकता क्योंकि वहाँ पे पहले से ही ई है। तो यहाँ पे फोर पे आ सकता है ए, और आपको एक कंडीशन और पता है कि ए को ग्रीन कलर पसंद नहीं है, और सिक्स पे भी आ सकता है। लेकिन अभी कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है कि जिसके हिसाब से हम कह सकें, मतलब एकदम एग्जैक्ट कह सकें कि ए छठे पर ही आएगा या ए चौथे पर ही आएगा, ऐसा कुछ अभी कह नहीं सकते हैं। तो इसको हम छोड़ते हैं, कुछ और देखते हैं, कुछ और हमको अगर कहीं से और आइडिया या हिंट मिले तो हमको बात समझ में आती है। अब ये कंडीशन क्लियर होने के बाद हम क्या सोचेंगे, अब क्या हमको करना है, यहाँ पे और पोजीशंस कैसे क्लियर पता चलेंगी? तो हम अगर आ जाएं कंडीशन नंबर सिक्स पे, कंडीशन नंबर सिक्स जो है जो बता रही कि सी और जी के बीच में 3% की गैपिंग है, यहाँ से हमको एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो सी और जी की पोजीशन अगर क्लियर होती है तो उससे हमको एफ की पोजीशन क्लियर होती है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हमको देखने को मिलेंगी। तो हम सोचें सी और जी कहाँ पे हम रख सकते हैं, थोड़ा सा ऐसे सोचिए कि हम सी और जी फर्स्ट फ्लोर पे भी रख सकते हैं, सी और जी, अभी पता नहीं कौन सा पहले आएगा, एक दो तीन का गैप छोड़ करके फिर से सी और जी यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे आ सकते हैं पॉसिबिलिटी हुई, फिर आगे चल करके एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है कि ऊपर आ जाए सी और जी, फिर एक दो तीन छोड़ करके फिर से यहाँ पे सी और जी आ जाए। तो कई सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन आपको सोचना कैसे है एग्जाम टाइम में, आप ऐसे सोचिए कि अगर यहाँ पे जी आपका रख दें, यहाँ पे अगर जी रख दें नीचे फर्स्ट फ्लोर पे, तो आपको पता होना चाहिए कि एफ और जी के बीच में 1% की गैपिंग है या फिर एक फ्लोर की गैपिंग है। तो एक फ्लोर अगर गैप छोड़ते हैं, एफ कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। अगर एफ यहाँ पे आ गया तो पिंक के सामने है, और कंडीशन नंबर 9 क्या कहती है कि एफ पिंक के सामने नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब क्या, जी कभी नीचे नहीं आ सकता है, एक बात आपको क्लियर हुई, तो एफ कभी यहाँ नहीं आ सकता है, दूसरी बात क्लियर हुई, और तीसरी बात क्या क्लियर होती कि ऊपर सी नहीं आएगा। तो सी एक आप तीन की फ्लोर की गैपिंग, फिर क्या आ जाएगा जी, एक पॉसिबिलिटी तो आपकी ये हो गई। फिर क्या हो सकता है, आप कहेंगे सी यहाँ भी तो आ सकता है, यहाँ भी तो आ सकता है, नहीं, क्यों? क्योंकि पांचवी नंबर की कंडीशन हमको बताती है कि सी को कौन सा कलर पसंद है, ग्रे, और यहाँ पे पिंक और ऑरेंज है पहले से ही, तो सी यहाँ दोनों पे तो आ ही नहीं सकता है। फिर सी और कहाँ पे आ सकता है ये हम समझते हैं, सी पांचवें नंबर के फ्लोर पे भी नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि यहाँ पे कलर आ गया है रेड। ठीक है, ऐसे एक एक करके बात समझिए। फिर सी और कहाँ पे आ सकता है, छठे नंबर के फ्लोर पे सी आ सकता है, लेकिन अगर आप ऊपर जाएंगे तो एक दो तीन का गैप छोड़ने के बाद कोई फ्लोर ही नहीं है, कहेंगे नीचे चले आइए, तो एक दो तीन छोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, मतलब जी कहीं पे बैठ नहीं सकता। फिर आप सोचेंगे और सी कहाँ पे आ सकता है, सी आप कहेंगे ऊपर, नहीं, यहाँ पे तो ब्लू कलर वाला पहले से ही है, सातवें फ्लोर पे आ सकता है क्या? सातवें पे जैसे हम यहाँ पे सी रखें तो एक दो तीन छोड़ के यहाँ पे क्या आ सकता है, जी आ सकता है। एक पॉसिबिलिटी आपको ऐसे भी मिल सकती है कि यहाँ पे कौन से फ्लोर पे, फ्लोर नंबर 7 पे आप सी को रख दीजिए। ठीक है, ऐसे पॉसिबिलिटी को समझिए, एक दो
तीन छोड़ करके यहाँ पे आप जी को रख सकते हैं, क्योंकि पिंक जी के सामने ऐसी कोई मतलब बाध्यता नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब अगर आप सोचिए कि ये वाली कंडीशन अगर आप रखते हैं तो एफ़ कहाँ पे रखेंगे, तो एफ़ रखेंगे एक यहाँ पे एक गैप छोड़ करके, जहाँ पे अभी हमने पहली कंडीशन के अनुसार सी रखा था, इसको मैं सर्कल में कर दूँ तो आपको समझ में आएगा। तो एक गैप छोड़ करके नीचे तो आ नहीं सकता क्योंकि फर्स्ट फ्लोर और पिंक के सामने नहीं बैठ सकता, तो एफ़ कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, अगर एफ़ यहाँ पे बैठ गया। अब आपको समझना है कि ये भी तो हो सकता है, सारी चीज़ें सही हो रही हैं, लेकिन फिर आप सातवीं जो कंडीशन है उसको कहाँ पे फिट बैठाएंगे, जो कि कहता है डी और जे लगातार आ रहे हैं। अब देखिए कहीं पे लगातार आपको दो स्थान खाली मिल रहे हैं, नहीं, यहाँ ऊपर एक खाली है, फिर एक खाली है, फिर उसके नीचे एफ है, फिर एक खाली है, कहीं पे आपको लगातार दो स्थान खाली नहीं मिल रहे हैं। तो लगातार जब दो स्थान खाली नहीं हो, सातवीं वाली कंडीशन को आप बैठाएंगे कहाँ? तो इसका मतलब जो ऊपर आपने सी सोचा और नीचे जी सोचा, ये भी आपकी कंडीशन गलत है। हाँ, यहाँ पे पांचवी वाली कंडीशन अगर होगी तो उस हिसाब से हम एफ को कहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं। और एफ अगर यहाँ पे आ जाए, इस वाली सातवीं वाली पोजिशन पे एफ अगर आ जाता है, तो यहाँ पे आपको ऐसा जो कह रहे हैं कि स्पेस एक मिलता है गैप का, वो यहाँ पे तीसरे और चौथे फ्लोर पे एक मिल जाएगा, जहाँ पे डी और जे आ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं हम, चलिए देखते हैं अब कैसे करना है। बाकी की जो पॉसिबिलिटीज हमको हटाते हैं, एक ही पॉसिबिलिटी हमको सी और जी की मिली है, उसी को हम लेकर के बनाते हैं प्रॉब्लम को। तो हमने क्या समझा कि यहाँ पे सी रखें तो एक दो तीन गैप छोड़ करके यहाँ पे आ सकता है जी। अगर यहाँ पे जी आ गया तो एफ कहाँ पे आएगा, नीचे तो आने का सवाल ही नहीं है, ऊपर ही जाएगा, कहाँ पे आ जाएगा, एफ आ जाएगा यहाँ पे। कंडीशन नंबर 8 भी पूरी हो जाती है। फिर हमको पता है सातवीं कंडीशन डी और जे एक साथ आएंगे तो कहाँ पे आ सकते हैं, केवल एक ही जगह खाली है, डी यहाँ पे और जे यहाँ पे। देखिए कैसे एक दूसरे चीज़ें इंटरलिंक्ड हुई। हो सकता है आप एक डायग्राम और बना सकते थे तो आपको यहाँ पे थोड़ा संतुष्टि मिलती, लेकिन डायग्राम कम से कम बनाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, तो आप आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। कंडीशन नंबर, अब यहाँ पे कंडीशन नंबर कौन सी है, कंडीशन नंबर 3 जो का बता रहे, कंडीशन नंबर 2 कि ए जो है इवन नंबर के फ्लोर पर होगा। आप देखिए सारे इवन नंबर के फ्लोर जो आपके भर गए, केवल एक ही खाली है, वो कौन सा है, फ्लोर नंबर 6 यहाँ पे आ गया ए। और ए को क्या नहीं पसंद है, ग्रे नहीं पसंद है। और यहाँ पे जब सी आ गया है तो इसके सामने हम क्या लग देते हैं, ग्रे, सॉरी ए को ग्रे नहीं, ग्रीन नहीं पसंद है, तो सी को ग्रे पसंद है, तो सी के सामने लिख दिया ग्रे। अब देखिए कौन कौन से कलर बाकी हैं, यहाँ पे आर हो सकता है दिख ना रहा हो, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूँ रेड, ठीक है, तो आपको साफ साफ दिखेगा कि जी के सामने रेड है। अब कलर केवल दो बचे हैं, एक ग्रीन और एक येलो। ए ग्रीन के सामने तो हो नहीं सकता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, येलो आ जाएगा। और एफ के सामने क्या आ गया, ग्रीन आ गया। अब कोई बचा, हाँ एक बचा है ऊपर वाला, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। देखिए सारी अरेंजमेंट हो गई पूरी, लेकिन पूरी कैसे हुई अरेंजमेंट, ज़्यादा डायग्राम वगैरह बना करके नहीं हुई, थोड़ा सा दिमाग लगाया हमने इस वाली कंडीशन को लेकर के। तो जब भी इस तरह की कंडीशंस होती हैं फ्लोर अरेंजमेंट या किसी भी अरेंजमेंट में जिसमें अरेंजमेंट दिया जाता है, तो आप हमेशा ये प्रयास करिए जिसमें जो ज़्यादा गैपिंग वाली जो पहली कंडीशन है उनको फिल करने का प्रयास करिए। जैसे सबसे पहले मैंने रेड और ब्लैक को फिल किया, फिर सी और जी की पोजीशन देखी, थोड़ा सा दिमाग लगाया, समझ में आ गया नीचे जी नहीं हो सकता, क्योंकि जी अगर होगा तो एफ़ की कंडीशन नहीं फुलफिल हो पाएगी, तो जी ऊपर ही हो सकता है। और जो पॉसिबिलिटी है उसको भी लेकर के देखा, सी का कलर दिया गया था, उससे थोड़ी सी हेल्प मिली कि सी और कहीं पर नहीं हो सकता है। तो ऐसे कर करके एक एक आप धागा जोड़ते जाएंगे तो आपको क्या समझ में आएगा कि पूरी की पूरी पजल आसानी से सॉल्व हो जाएगी। थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है। कुछ लोग इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि एक ही पोजीशन मान करके एक जगह 6 मान लेते और एक ही पोजीशन की जगह 4 मान लेते, तो देखते कि कौन से डायग्राम से वो फिर सही हो रहा था। ऐसे भी करके कर सकते थे, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा हेल्प तो नहीं मिलती। थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाया तो इससे पूरा का पूरा प्रॉब्लम ही हमारा सॉल्व हो गया। तो ये थी प्रॉब्लम अरेंजमेंट। अब इसके ऊपर 5 क्वेश्चन हैं, उनको भी हम देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन हैं, क्या उनके आंसर्स हैं, ताकि आपका ये पूरा एक सेट खत्म हो सके। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, हु एमंग्स द फॉलोइंग ओन्स द ग्रीन कलर्ड कार। ग्रीन कलर की कार कौन ओन कर रहा है, तो वो है एफ। तो कौन सा यहाँ पे ऑप्शन से होगा, डी वाला, एफ। सेकंड क्वेश्चन, एच स्टेज ऑन विच फ्लोर नंबर, कि एच कौन से फ्लोर नंबर पे स्टे कर रहा है, तो वो है फ्लोर नंबर 8। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए, 8। थर्ड क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है, हाउ मैनी फ्लोर्स आर देयर बिटवीन द फ्लोर ऑन विच जे स्टेज एंड द फ्लोर ऑन विच सी स्टेज, कि सी और जे के बीच में कितने फ्लोर की गैपिंग है। तो जे कहाँ पे है, यहाँ पे है, सी कहाँ पे है, यहाँ पे है, कितने फ्लोर का गैप है इनके बीच में, तो यहाँ पे गैप है एक फ्लोर का, तो इसमें भी ऑप्शन ए हो जाएगा, 1, ठीक है। अब चौथा वाला पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एज पर द गिवन इन्फॉर्मेशन, किन में से कौन सा सत्य है गिवन इन्फॉर्मेशन के आधार पर। लिखा हुआ है, बी स्टेज ऑन अ फ्लोर इमीडिएटली बिलो द फ्लोर ऑन विच एच स्टेज, कि बी कहाँ पे है,
एच के इमीडिएटली बिलो वाले फ्लोर पे है, जबकि ऐसा नहीं है। इसी को थोड़ा सा लोग कन्फ्यूज होंगे, अगर बात को समझ नहीं पाएंगे वो सोचेंगे सही बात तो कह रहा है, जबकि यहाँ पे देखिए एच जो है वो बी के ठीक नीचे है, ना कि बी एच के ठीक नीचे। कह रहा है कि बी नीचे है एच के, जबकि बी क्या है ऊपर है, ठीक है नीचे तो है नहीं। लिखा हुआ है जी स्टेज ऑन अ फ्लोर इमीडिएटली अबव द फ्लोर ऑन विच ए स्टेज, कि जी कहाँ पे है ए के ठीक ऊपर वाले फ्लोर पे है। तो यहाँ पे देखिए जी यहाँ पे है जो ए के ठीक नीचे है, ना कि ठीक ऊपर है। तो ये बात भी क्या है गलत है, ऊपर वाली भी गलत, ये भी गलत। लिखा हुआ है एफ स्टेज ऑन अ एट्थ फ्लोर, कि एफ कहाँ पे एट्थ फ्लोर पे, जबकि क्या है सेवन्थ पे है। तो ये भी बात गलत है। डी ओन्स द ऑरेंज कलर्ड कार, कि डी के पास कौन सी है ऑरेंज कलर की कार है। जी हाँ डी वाला ऑप्शन ये आपका सही है, जिसमें पूछा गया है कि कौन सा ट्रू है, तो डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है बी इज रिलेटेड टू सी इन द सेम वे एज एच इज रिलेटेड टू ई। कह रहे हैं कि बी सी से उसी तरह रिलेटेड है जैसे एच रिलेटेड है ई से, एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन। फॉलोइंग द सेम पैटर्न एफ इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, की इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए बताइए एफ किससे रिलेटेड होगा। तो आपको समझ में आना चाहिए कि बी क्या है, देखिए बी क्या है सबसे टॉप मोस्ट फ्लोर है, और सी क्या है सबसे डाउन मोस्ट या फिर कह लीजिए ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है इस तरीके से है। बी और सी रिलेटेड हैं। इसी तरीके से एच और ई क्या है, सेकेंड ऊपर से ये सेकेंड है, नीचे से ये सेकेंड है। अब पूछा है एफ कैसे होगा रिलेटेड इसी तरह, तो ये क्या होगा ऊपर से थर्ड है, तो ये किससे रिलेटेड होगा नीचे से थर्ड वाले से। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा, ए वाला, ये किससे रिलेटेड है जे से। तो ये पांच क्वेश्चंस थे जो इसी अरेंजमेंट के ऊपर आधारित थे, और कहीं भी आपने थोड़ी सी गलती करी होगी तो ये क्वेश्चन आपके गलत हो ही जाने थे, ठीक है। और क्वेश्चन पढ़ने में भी गलती करी तो भी क्वेश्चन आपके गलत ही हो जाने थे। तो बड़ा अच्छा सा ये प्रॉब्लम था, मैं आपके सामने लेकर के अरेंजमेंट पजल फ्लोर के ऊपर बेस्ड थी। मुझे उम्मीद है कि आपने भी इसको लगाया होगा और आपको भी मज़ा आया होगा। आप बताइएगा आपको कितना टाइम लगा इस तरह के प्रॉब्लम्स अगर आती हैं एग्जाम में इसको करने में क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तो अगर ये प्रॉब्लम समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, बताने का तरीका आपको पसंद आया, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे मुझे भी पता चल सके कि आपको ये वीडियो कितना अच्छा लगा। और आप बताइएगा आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स में क्या मेन आपको क्या लगता है कि कहाँ पे आप जा करके रुक जाते हैं, क्या चीज़ें आपको नहीं समझ में आती, वो सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आगे मैं वीडियो बनाऊंगा तो वो जो प्रॉब्लम्स आपकी हैं उनको देख करके मैं बनाऊंगा और आपको समझाने का प्रयास करूंगा इस तरीके से अगर कुछ लिखा रहे तो उसका क्या मतलब होता है और कैसे उसको समझना चाहिए, कहाँ पे आप आकर के आप अटकते हैं और कहाँ पे आपको अटकना नहीं चाहिए, क्या चीज़ें आप अपना सकते हैं। जैसे अभी छोटी छोटी ट्रिक्स मैंने आपको बताई कि जिसमें गैपिंग ज़्यादा हो सबसे पहले उसको फिल करिए तो आसान हो जाती है थोड़ी सी प्रॉब्लम। तो सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं देखूंगा आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, फिर उसके हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे इस तरह की जो वीडियोज़ हैं आपको मिलती रहें और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से होते रहे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।